I hold him up. दिखाओ एक बार कि क्योंकि मेरी मानो को साबुत चाहिए होते हैं. फिर से यहां से मैं ज्यादा नहीं घोटूंगी क्योंकि मेरी मानो को साबुत चाहिए होते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप लोग. उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे. तो आज मैं पूरा थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में. सारा मैंने लंच वगैरह बना लिया, देन उसके बाद मैं फिर नहाई हूँ, चावल चढ़ा दिए. मैं कहा जब तक चावल होंगे तब तक मैं नहा लूँगी. तो लंच में बना अरहर की दाल, रोटी, चावल और आलू बैंगन की सब्जी. और कुछ है ही नहीं ब्लॉग करने के लिए. घर ही घर में क्या ही झाड़ू पोछा. झाड़ू पोछा का सीन पता क्या होता है कि डेली डेली वही काम दिखाना, और दिखा भी दो तो फिर और लेट हो जाता है. मुझे 1 बजे तक किसी भी हालत में लंच रेडी करना पड़ता है क्योंकि रावत जी 1 बजे आ जाते हैं. तो इसी चक्कर में ना, अगर मैं ये सब कैमरा सेट करके करने लगूँ तो बहुत लेट टाइप हो जाता है, तो इसलिए. और हालांकि मैंने आज इतने कपड़े समेटे, कपड़े मेरे बहुत होते हैं, थोड़े थोड़े जो हैवी हैवी कपड़े ना, जो इधर उधर जैसे न्यू जैकेट्स वगैरह हो गए जो हम लोग ट्रैवल या इसमें जाते हैं तो तब ले जाते हैं, वो जैकेट्स वगैरह मैंने रख दिए हैं. और नॉर्मली डेली वेयर और थोड़ा बहुत अगर मार्केट और पार्क में ऐसे कहीं जाएँ तो उसके लिए मैंने क्या कहते हैं उसको मैंने अलग कर दिया है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे. तो कपड़े रावत जी आ गए, देखो पता नहीं आपको दिख रहे नहीं दिख रहे क्योंकि मुझे कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है. तो मुझे लग रही है ठंड क्योंकि बाल मेरे गीले हैं, तो इसलिए हम लोग लंच बाहर ही करेंगे. और कल थी रावत जी की ड्यूटी और कल मैंने बनाई 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रील. फिर वो 12:30 बजे करीब घर पहुंच गए थे, मतलब 1:15 बजे. और फिर मैंने मम्मी को दिन शाम को कॉल किया था, मम्मी ने सुना नहीं होगा क्योंकि मम्मी गई है फंक्शन में, डीजे वगैरह बज रहा था तो मम्मी को सुना नहीं दिया होगा. फिर मम्मी थोड़ा एकांत में आ गई तो मैंने देखा, मैंने वीडियो कॉल कर दी तो मम्मी ने मुझे कॉल बैक करी रात को 10:30-11 बजे. तो बुआ की बेटी के लड़के का जन्म है, सिस्टर की बेटे का मतलब, तो मम्मी वहाँ गई हुई है. दोनों मेरी बहनें भी वहाँ गई है, मज़े कर रहे हैं यार. बोलो हम इतनी दूर हो जाते हैं ना उत्तराखंड से कि सब चीज़ छूट जाती है हमारे हाथों से यार, कसम से. खाना खा रहा है तो लक्कू के खाने में मैं बताऊँ क्या है. चावल है और सफ़ेद छोले हैं बॉईल करे हुए, और ये कुछ दाने स्टार्टर के डाले हैं प्रोटीन के. तो बस इसका बड़ा कटोरा लेकिन रावत जी इसी में देते, कह रहे मुझे इसी में सजाती है, बड़े कटोरे में नहीं आती है. तो खा रहा है दही चावल से, वो बोर हो चुका है तो दही मैंने इसको सुबह खिला दिया था. इनको दही खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है दही, इसलिए. लंच की थाली लग चुकी है रावत जी के लिए. और ये मेरी बैंगन की सब्जी, अरहर की दाल, और हाँ इनको अच्छी लगती. कह रहे थे यार बैंगन नहीं खाए और कल ही लेकर आ गए. और मानू के चक्कर में ना प्याज नहीं डालती मैं दाल में, मुझे भी नहीं पसंद है प्याज वैसे भी ना. तो मायरा स्कूल से आ गई है और मायरा करने लगी है अपना लर्न क्योंकि अब है इसके टेस्ट, मानो के सॉरी एग्जाम, टेस्ट नहीं एग्जाम शुरू के, टेस्ट तो डेली होते रहते हैं. तो कह रही मम्मी गर्मी लग रही है, अभी स्वेटर वेटर नहीं पहनी है थोड़ी सी. तो मानो करी लन लकी अपना खेल रहा है टकाटक. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के करीब 4:45 और उस समय खाया पिया सो गए. मायरा 2:30 बजे मायरा के कपड़े वपड़े चेंज किए, उसको खाना खिलाया फिर वो सो गए. मैगी मैगी बोल रही थी, हमने कहा अभी दाल चावल खा ले, शाम को मैगी बनाएंगे. तो शाम को मुझे उसके लिए मैगी भी बनानी है, ट्यूशन से आएगी जब तब. और मानो कि सारी फ्रेंड्स का सबका ट्यूशन का टाइम अलग अलग है, अलग अलग टीचर हैं. तो 4:30 बजे बच्चे आए, बच्चों ने आवाज़ लगाई, फिर मानो बाहर खेलने चले गई. बहुत दिनों बाद खेलने गई है मानो, लक्की को भी लेकर गई है तो लक्की भी खेल रहा है खूब बाहर. अब मैं करती हूँ वीडियो एडिट फिर से, और शाम को अपलोड करना होता है. थंबनेल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सारा काम करना है मेरे को. लक्की लकी थोड़ी से नीचे एक बार
लड़का मम्मा मम्मा को छोड़ के गया, मम्मा अकेले आया। लक्कू अभी है टाइम बेटा, अरे मेरी वीडियो नहीं बन रही लक्की के लिए। तो दोस्तों दूध बचा था तो मैंने खीर बना ली, खीर मेरी बन गई है और दूध कम था मेरा। और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस वजह से मैंने गाजर का हलवा भी नहीं खाया था। अभी मैंने गाजर का हलवा बनाया था, ड्राई फ्रूट्स डाले थे, मैंने खाया ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो ये देखो तो हम गूंद रहे हैं आटा, रावत जी गूंद रहे हैं आटा। आप लोगों को पता है मेरे जॉइंट में पेन होता है तो मैं आटा नहीं लगा पाती हूँ। अब जब से इंजेक्शन लगने शुरू हुए हैं तब से, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर, जो भी मेरे नए पड़ोसी हैं जो कभी कभार व्लॉग में आते हैं, अगर वो इनको आटा गूंदते हुए देखे तो कृपया परेशान ना हो, क्योंकि जब से मेरे को इंजेक्शन लगने लगे हैं सिर्फ ये थंब में, राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड की तो मेरी नसी नहीं मिलती है, तब से मेरा ये थंब खराब हो चुका है, तो इसलिए मैं आटा नहीं गूंद पाती हूँ दोस्तों। ऐसे ऐसे करके थंब काम नहीं करता। तो नील के लिए फोटो कितने मजे से खिंचा रहे हैं, देखो आटा गूंदते हुए दिखाओ कैसे खिंचा रहे हो। पापा एक्टिंग तो करके दिखाओ फिर से। राहुल कैसा लग रहा है? सुपर लग रहा है, दिखाओ एक बार। सारे खेल किचन में खेलने, बिकॉज मम्मी आ गई है यहाँ पे ना। अब जब तक पूरा खाना नहीं बनाऊंगी यहीं बैठेगा, छिड़कानी नहीं करेगा। आप इसके सामने दूध खुला छोड़ दीजिए, दूध में भी मुंह नहीं मारेगा, ऐसा कहीं मुंह नहीं मारता, वो सिर्फ अपना कटोरा देखता रहता है। और थोड़ा सा बड़ा और हो जाए, अभी बच्चा ही है, फिर हम इसको ना किचन में आने की आदत सिर्फ यहाँ डेली तक सीमित कर देंगे, कि डेली से अंदर किचन में ना आया करे। बीमार पड़ेगा लक्कू, मानो ये फेंक दो इसका बेटा, कागज़ खा रहा है बेटा, फेंक मानो, सारे कागज़ के टुकड़े ले जाना। देखो बाल बड़े हो गए, आज मैंने चुटिया भी नहीं बनाई इसकी, नीचे के बाल मैंने काटे थे, अभी इसकी हेयर कटिंग हमें अच्छी वाली करवानी थी, इसको अभी बाल बन लेते, वैसे भी ठंड है तो बड़े बाल ही ठीक है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एडिट करने में, एडिट करने से पहले मुझे शूट करने की हो गई, क्योंकि मैंने कहा शूट कर लूँ पहले, उसके बाद बार बार मैं उसको ना वो सेव कर रही हूँ, सेव नहीं हो रहा क्योंकि मेमोरी फुल हो जा रही, फिर डिलीट कर रही हूँ कुछ, मतलब क्लिप्स डिलीट कर रही हूँ, फिर वैसे ही हो जा रहा, दिमाग ख़राब हो गया। कभी कभी ऐसे होता है जब आपको लेट होता ना, तो लेट ही होता रहता है। तो इस समय मेरे रात के खाने में बनेंगे छोले और खीर, और बस यही बनना है, और दूध बहुत सारा बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना चावल की खीर बनाई जाए, क्योंकि भाई सिवाई की खीर बना लो, सूजी की खीर बना लो, किसी चीज़ की भी खीर बना लो, जो चावल की खीर है ना उसका मुकाबला कोई और खीर कर ही नहीं पाती है। तो मेरी भी फेवरेट है चावल की खीर, बट बिना ड्राई फ्रूट्स के, और यहाँ तक कि मुझे इलायची पसंद नहीं है, इलायची मैं डालूँगी बट मेरी नानी नहीं डालती थी ना, तो मुझे अपनी नानी के हाथ की खीर मतलब बहुत याद आती है, क्योंकि जब मेरी मम्मी जब भी नानी के घर जाती थी तो मेरी नानी खीर बना के भेजती थी केले के पत्ते में रख के, तो उसका स्वाद तो मतलब मत ही पूछिए, भूल नहीं सकती मैं, जो वहाँ पे अभी भी है। तो वो प्याज भूनते भूनते मैं टमाटर काट लूँगी, और लहसुन भी कम था कमी ला रहे हैं, महंगा भी बहुत हो गया, आप सबको पता ही होगा, जितना भी मेरे से अदरक लहसुन पेस्ट बना, मैंने अभी रिसेंटली तैयार किया अदरक लहसुन पेस्ट, तो वही डाल रही हूँ मैं इस समय। और क्या ही बोलूँ, बस 10 चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में कि कल क्या करना है, क्या बनाना है। बस एक बार मेरी YouTube की पेमेंट आ जाए, तो सबसे पहले मैंने रावत जी ने जो मुझे इतने ट्राईपॉड्स दिलाए, ये सब कुछ दिलाया, इन सबका खर्चा इनके हाथ में दे दूँ, जो भी मैंने इसमें वेस्ट किया था, वेस्ट ही समझ रही, क्योंकि अभी तक इनकम नहीं आई तो मुझे वेस्ट ही लग रहा है। देन उसके बाद जब मेरी दूसरी इनकम आएगी ना, तो मैं दूसरा फोल्ड लूँगी, जिसमें जैसे कि अगर मैं फंड अभी जैसे इसको ज़्यादा पीछे करूँ तो धुंधला आने लगेगा सब कुछ, क्योंकि इतनी क्वालिटी अभी इस फोन की है नहीं, और मेरा बजट हिला हुआ है, लकी के आने से कुछ ज़्यादा ही हिल गया है। तो घर में अब जब दो बच्चे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली तो बजट तो हिलना ही है, तो इसलिए, और बाकी के खर्चे भी हैं मेरे, इस फ़ोन से पहले मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खर्चे और हैं, जैसे मानो कि कोर्स बढ़ता जा रहा, कॉपी किताबें पहले मैं वो छोटे छोटे प्लास्टिक के ड्रॉर में रख देती थी, अब उसमें नहीं आती है उसकी, वो ड्रॉर कॉपी किताबों के वेट से ड्रॉर के जो आउटसाइडर फ्रेम है वो भी टूटने वाले हैं, तो मानो के लिए एक वो लेना है। मेरा शू रैक टूट गया है बहुत बुरी तरह से, एक शू रैक लेना है मेरे को, और मेन बात है मेरे, हम गर्मियों में लेंगे अपने गद्दे, बेड पर हमने बेड लिया और हमारे एक साल हो जाएगा ना मानो बाबा, और हमने गद्दे नहीं लिए, गद्दे लेंगे। तो ये तीन बड़े बड़े खर्चे हैं, मैं हमारे बड़े हैं भैया, तो ये जो तीन बड़े बड़े खर्चे हैं मेरे सामने आ रहे हैं। तो देन उसके बाद मेरे ख्याल से अभी
मैं 6-8 महीने क्या साल में इसे फोन से एडजस्ट करूं। लाइट आ गई है तो बहुत अच्छी रोशनी आ गई है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे 9 बजे और मेरी सब्जी के लिए लेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ये वीडियो के चक्कर में, और वीडियो के चक्कर में लेट इसलिए हुआ क्योंकि मानूंगा कल ग्रामर का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 49-15, और उसको पढ़ाना भी था तो उस चक्कर में लेट हो गया, तो वीडियो एडिटिंग मैंने लेट शुरू करी। तो ये मैं लक्की के लिए भी ना ये वाइट, ये देखो ये चने ना, ये इनके लिए ना सिज्जू के लिए क्या किसी भी डॉग के लिए अच्छे होते हैं और सिज्जू को बहुत पसंद होते हैं, मेरे लक्की को भी बहुत पसंद है। तो ये चाय आप दही में मिला के खिला दो मैश करके, चाय सिंगल सिंगल ऐसे भी खिला दो, मेरा लक्कू हर तरह से खा लेता है। तो ये मैं लक्कू के लिए रख दे रही हूँ, थोड़ा सा अभी दूंगी और थोड़े इसको दूंगी मैं कल सूप है नाश्ते में। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मानू को साबुत साबुत चाहिए होते हैं, कैमरे में देखने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं घोटूंगी क्योंकि मेरी मानू को साबुत चाहिए होते हैं। फिर से यहाँ से ज़्यादा नहीं घोटूंगी क्योंकि मेरी मानू को साबुत चाहिए होते हैं। लाइट खोपड़े में पड़ी है, दो धुंधला आ जाता है मुँह सच में, इतना तो मेरा बेकार भी मुँह नहीं है, मतलब वो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, फोन की लेकिन क्या करूं भाइयों बहनों, कमर कमर टेढ़ी हो गई यार। अरे ये तो अजीब से क्यों बन गए पानी पानी, मतलब गंदे से कलर में मजा नहीं आया। चलो कोई नहीं चलेगा, पति और बेटी नहीं खाना है। लकी आओ सो जाओ, चलो लकी चलो, टाइम हो गया ना, हाँ छोड़ो ना पापा, लकी टाइम हो गया बिस्तर में सोने का, चलो अच्छा चलो आओ। थोड़ा सा हाथ ढीला करोगे ना भाग के आएगा, वो देखो लकी टाइम हो गया ना बेटा, पकड़ 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 पकड़। अरे फिर नहीं आया लकी, टाइम हो गया ना सोने का, सुबह स्कूल जाना है, नहीं छोड़ पापा, आ जा बेटा चलो, मम्मा बुला रही ना, मम्मा के साथ सोना है ना, हाँ आ जा मेरा बेटा, चलो सो जा, गुड बॉय।